हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड पे बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने दम पर सक्सेस पाया है, आगे बढ़ा है उन लोगों ने। सुशांत सिंह राजपूत उनमें से एक थे जिनका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पैशन को फॉलो करते हुए, अपना जो इंटरेस्ट था उसको फॉलो करके आगे बढ़ा। उन्होंने बॉलीवुड में उन्होंने एक के बाद एक सक्सेसफुल फिल्में दिया और एक सक्सेसफुल सुपरस्टार की तरह उभर के आए। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पटना में हुआ था। बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में उनका घर है। 2002 में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। अगर आप देखेंगे कि उनका जो इंस्टाग्राम पर जो लास्ट पोस्ट है उसमें उन्होंने अपने माँ को मिस करते हुए, अपने माँ को याद करते हुए पोस्ट डाला है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी स्कूलिंग पटना से और दिल्ली से पूरी की है। सुशांत एक स्कॉलर स्टूडेंट रहे। उन्होंने DCE का एंट्रेंस एग्जाम 2003 में रैंक होल्डर थे। उन्होंने इसके मदद से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। फिजिक्स में वो एक नेशनल ओलंपियाड विनर थे। DCE के एंट्रेंस एग्जाम के अलावा उन्होंने और 11 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर किए थे, जिसमें इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी शामिल था। जब वो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उन्होंने सियामक दवार्स के डांस क्लासेस ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके कुछ दोस्त थे जिनको एक्टिंग में इंटरेस्ट था और वो वेरी जो ड्रामा क्लासेस अटेंड कर रहे थे, उनसे इन्फ्लुएंस होकर सुशांत सिंह राजपूत ने भी एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किया। एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने के बाद उन्हें लगा कि ये वो फील्ड है जहाँ पर उनका जो रियल पैशन है वो खुद को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वो ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इसलिए ये जो फील्ड है ये उनको अट्रैक्ट किया और धीरे धीरे वो इसी फील्ड में इन्वॉल्व होते गए। डांस क्लास में ज्वाइन करने के कुछ ही महीने बाद 2005 में जहाँ पर वो डांस सीख रहे थे वहाँ का जो स्टैंडर्ड ग्रुप होती है जो कि ज्यादातर फंक्शंस में, फिल्मों में एज बैकग्राउंड डांसर्स के काम करते हैं, उस ग्रुप में उन्हें मौका मिला। उस ग्रुप में उन्हें मौका मिला जिसमें 51st फिल्म फेयर अवार्ड में एज ए बैकग्राउंड डांसर डांस करने का उनको मौका मिला। उसके बाद 2006 में ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे वहां के ओपनिंग सेरेमनी में कल्चरल प्रोग्राम्स में उनको परफॉर्म करने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें लगा कि ये जो करियर है उनको ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा, ये जो फील्ड है, ये जो इंडस्ट्री है उनको ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा। अब तक वो इंजीनियरिंग से बोर हो चुके थे और ये जो करियर था उन्हें ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए उन्होंने जो इंजीनियरिंग कोर्स 4 साल का था उसको 3 साल ही कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। डांस और ड्रामा क्लासेस वो रेगुलरली जाने लगे। इसके बाद एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए राजपूत मुंबई आ गए। मुंबई के नादिरा बाबर्स एग्जीक्यूटिव थिएटर ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन कर लिया जहाँ पर उन्होंने 2.5 साल तक काम किया। इसी बीच उन्हें एक टीवी एड का भी मौका मिला जो कि नेस्ले मंच का था। 2008 में बालाजी टेलीफिल्म्स में उनको एक प्ले में उनको नोटिस किया और उनको इनवाइट किया कि उस वक्त जो सीरियल शूटिंग हो रहा था किस देश में है मेरा दिल, उसमें एक किरदार था प्रीत जुनेजा, उस किरदार के लिए ऑडिशन देने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को उन लोगों ने इन्वाइट किया और सुशांत सिंह राजपूत ने इस ऑडिशन में सिलेक्ट होकर ये किरदार निभाया। लेकिन ये किरदार का कुछ ही शो के बाद मौत हो जाती है, लेकिन उनका जो इम्प्रेशन था लोगों में इतना था, लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया था कि उस किरदार को फिर से उस शो में वापस लाया गया, एज ए स्पिरिट उनको लाया गया। इसी तरह उनके टेलीविजन करियर का शुरुआत हुआ। उसके बाद 2009 में एकता कपूर ने जो नेक्स्ट सीरियल था पवित्र रिश्ता, उसमें उन्होंने सुशांत को एज ए लीड एक्टर लेना चाहा। GTV सुशांत को पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एकता कपूर कन्विंस करने के बाद GTV ने उनको एज ए लीड एक्टर लेने के लिए तैयार हो गए। ये जो सीरियल था उनके लिए एक बहुत बड़ा हिट रहा, इसके लिए उन्हें 2 बेस्ट एक्टर अवार्ड्स मिले। पवित्र रिश्ता में वो ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, वो बाहर जाकर फिल्म मेकिंग में कोर्स करना चाहते थे, इसलिए 2011 में उन्होंने पवित्र रिश्ता छोड़ दिया। लेकिन उसके जो एंड सीरियल्स थे 2014 में उन्होंने फिर से उसके फाइनल जो एपिसोड था उसमें फिर बैक किया और एज ए लीड रोल उन्होंने एक्टिंग किया। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म डेब्यूट हुआ जो कि काय पूछे से हुआ 2013 में। उस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ राजकुमार राव थे जो कि आज के दौर में एक बहुत बड़े एक्टर हैं। ये जो फिल्म था ये चेतन भगत के नोवेल पर बेस्ड था और ये फिल्म एक हिट रहा। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। उन्हें गिल्ड अवार्ड में एज ए बेस्ट मेल डेब्यूट एक्टर का अवार्ड मिला था और स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मूवीज किए जो कि जैसे कि सुद्देशी रोमांस, पीक के, डिटेक्टिव उमेश बख्शी, MS धोनी, राबता, ऐसे बहुत सारे हिट फिल्म उन्होंने दिए। और 2020 में उनके और एक फिल्म आने वाला था जो कि 8 मई को रिलीज होने वाला था। नीति आयोग ने उन्हें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए साइन भी किया था। सुशांत सिंह राजपूत का जो करियर था वो बहुत ही स्ट्रगलिंग था। उन्होंने अपना करियर की शुरुआत एक डांसिंग स्कूल से शुरू किया था, डांसिंग क्लास से शुरू किया था,
एज ए बैकग्राउंड डांसर भी उन्होंने काम किया। धीरे धीरे उन्होंने स्ट्रगल करते हुए अपने टैलेंट के बलबूते पर वो आगे बढ़ते गए और सक्सेस को भी पाया। लेकिन फ्रेंड्स 14 जून को उन्होंने अचानक से सुसाइड करके उनके जो फैंस थे पूरा बॉलीवुड को उन्होंने शॉक कर दिया। उनके जो ट्विटर हैंडल था उसका जो बैकग्राउंड इमेज था वो विंसेंट वैन गोज के ये इमेज था, जो कि उन्होंने डिप्रेशन के वक्त उन्होंने इसको बनाया था और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उनके जो केयर टेकर्स थे उन्होंने भी बोला है कि वो 6 महीने से बीमार थे, डिप्रेशन में जा रहे थे और वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। इसी के वजह से डिप्रेशन की वजह से हो सकता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन फ्रेंड्स उनका जो अगर आप मूवीज को देखेंगे जिसमें वो लोगों को जीना सिखाते हैं, जिसमें वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप देखेंगे उनका जो मूवी है काय पूछे या फिर MS धोनी अंटेल स्टोरी, जो कि एक बहुत बड़ा हिट था जिसमें लोगों ने उनको MS धोनी के किरदार में बहुत ज्यादा पसंद किया था और ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी था जिसमें कि MS धोनी का जो स्ट्रगल लाइफ है वो दिखाया गया है और इसको सुशांत सिंह राजपूत ने बेखूबी निभाया था। इसके बाद और एक फिल्म जो है जो कि छिछोरे मूवी, जो अगर आप देखेंगे ये जो पूरा मूवी है ये सुसाइड पर ही बेस्ड है। स्टोरी का कहानी ही ऐसी है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो बेटा होता है वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने बेटे को ये समझाते हैं कि लाइफ क्या है, कैसे वो फेलियर से सक्सेस में आए, लाइफ को एक्सेप्ट करना चाहिए, सुसाइड ही एक ओनली सॉल्यूशन नहीं है। जो इंसान जिसने ऐसे किरदार किए हैं जो कि लोगों को इंस्पायर करता है वो खुद कैसे डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर सकता है। उनके जो घर वाले हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, इंक्वायरी की मांग की है ताकि इंक्वायरी हो। और इससे और एक शक पैदा करने वाली बात यह भी है कि दिशा सैलियन जो कि सुशांत सिंह राजपूत का मैनेजर रह चुकी होती है 8 जून को वो सुसाइड कर लेती है और उसके कुछ ही दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत खुद सुसाइड कर लेते हैं। आखिर क्या चल रहा था, क्या हो रहा था उनके लाइफ में जिसके वजह से उनको ऐसे बड़े डिसीजन लेना पड़ा जिसके वो अपना लाइफ ही खत्म कर दिया। एक ऐसा स्टार जो कि सक्सेस के पिक पर था, जो कि अपने स्ट्रगल करके अपने लाइफ में पूरा स्ट्रगल करके एक ऐसे लेवल पर आया था जहां पर कि सक्सेस वो देख रहा था, वहां पर वो आके ऐसे अचानक से सुसाइड कर लेना, ना कि उनके फैंस को, ना कि उनके बॉलीवुड के जो दोस्त है या फिर उनके घर वाले हैं, किसी को भी ये बात डायरेक्टली एक्सेप्ट कोई भी नहीं कर पा रहा है कि सुशांत सिंह ऐसे कैसे अचानक से सुसाइड कर सकते हैं। इंक्वायरी होने के बाद ही हम सबको पता चलेगा कि आखिर क्या था। वो लोगों के लिए एक ऐसा इंस्पिरेशन था जिससे कि और जो लोग जो कि बॉलीवुड में आना चाहते हैं, जिसका कोई बॉलीवुड में पहचान नहीं है, वो अपने दम पर टैलेंट के दम पर आना चाहते थे बॉलीवुड में, उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। उनका इससे सुसाइड करना बहुत सारे लोगों को डिमोटिवेट भी कर सकता है। हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।